जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग जो है वो मॉडिफाई पैनल के अंदर हैच एडिट हैच को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम अलाइन ऑब्जेक्ट जो है वो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये दो कमांड्स जो हैच एडिट, बेसिकली एडिट जो हैच आपने दिया गया होगा उसको एडिट करने के लिए। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ और इसको हैच देता हूँ ड्रा के जो है टूल बार की मदद से। यहाँ पे लेट्स सपोज के पैटर्न मेरे यही हैं, हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, एंटर, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे, ये हैच पैटर्न इसमें आ चुका है, ठीक है। तो अब अगर इसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, तब्दील करना चाह रहे हैं, तो फिर आप मॉडिफाई पैनल के अंदर हैच एडिट हैच की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा हैच सिलेक्ट करें, हमने कहा ये हैच है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे उसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये 1 स्केल है, हम इसको 10 स्केल में लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसी हैच को। अब प्रीव्यू इसको करें, ये 10 होगी, यानी वो दूर दूर होगी ना लाइनें। तो मैं एंटर कर रहा हूं, तो ये मेरा हैच जो है वो एडिट हो चुका है। इसी तरह आप इसको इसके पैटर्न भी तब्दील कर सकते हैं, यहां पर क्लिक किया और इसके यहां पे आप पैटर्न, लेट्स सपोज मैं ये करना चाह रहा हूं, ओके, उसके पैटर्न भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये थी एडिट हैच। अब हम डिस्कस करेंगे अलाइन ऑब्जेक्ट की। देखिए, मैं इस पे ऊपर माउस रखता हूं तो एक इसकी टिप खुलेगी, आपको वहां से बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि ये दो ऑब्जेक्ट्स को किस तरह अलाइन करेगा। चार पॉइंट्स होंगे, दो एक ऑब्जेक्ट के होंगे, दो एक ऑब्जेक्ट होंगे, वो उनको जो है अलाइन जोड़ देगा, आपस में जोड़ देगा। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम एक छोटी सी रेक्टेंगल लगा लेते हैं इस तरह, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पॉली लाइन लगाते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारी पॉली लाइन ऑब्जेक्ट नया ऑन कर लेते हैं, हम इसको 10 पॉइंट्स जो है इस तरफ, और यहां से हम इसको राइट क्लिक करके आर्क बना लेते हैं, ठीक है, और 3-4 पॉइंट्स चले हम इस तरफ कर लेते हैं, या 6 पॉइंट्स इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम इस तरफ आते हैं, 10 राइट क्लिक करते हैं, हम इसको दोबारा लाइन लगा लेते हैं और इसको 10 पॉइंट्स हम इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसको इसके एंड पॉइंट से मिला देते हैं, एंटर कर देते हैं, कमांड हमारी कंप्लीट होगी। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने, हमारे पास जो कमांड है वो मॉडिफाई पैनल के अंदर, यहां पे एक अलाइन की कमांड है, इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे इसको क्लिक करेंगे वो पूछेगा किस ऑब्जेक्ट को जोड़ना है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट इसके साथ जुड़ेगा, और अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये अपनी जगह पड़ा रहेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को जोड़ लेते हैं, हम इसको जोड़ेंगे, एंटर। अब पूछ रहा है कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के साथ जोड़ना है, मैं कहता हूं ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के साथ जोड़ दे, ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये इस पॉइंट के साथ जोड़ दे, इज इट ओके। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो मुझसे पूछ रहेगा स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अलाइनिंग पॉइंट्स, कि जिस तरह ये बड़ा है ये भी बड़ा कर दूं, ठीक है। अगर तो आप गेस करेंगे तो इसका भी साइज बड़ा हो जाएगा और इसके मुताबिक ये फिट हो जाएगा, और अगर तो नहीं तो फिर ये इसी तरह इसके साथ मिल जाएगा। हम चले पहले इसको नहीं कर देते हैं, नो, ये इसके साथ जुड़ गया, अलाइन हो गया। अब मैं कंट्रोल जेड करके वापस आता हूं, अब फिर हम इसको जोड़ते हैं, अलाइन ऑब्जेक्ट। अब हम इसी ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट किया हमने, एंटर कर दिया, पॉइंट्स हम देंगे यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ। आपको पूछ रहा है, ये देखें यहां सामने लिखा हुआ है स्पेसिफाई द थर्ड सोर्स पॉइंट और कंटिन्यू, हम इसको थर्ड सोर्स पॉइंट, हमारा ये तीनों मुकम्मल हो गए चारों, तो हम इसको एंटर कर देते हैं। अब वो पूछ रहा है स्केल करना है, हम यस कर देते हैं, तो उसके मुताबिक उसने इस सब्जेक्ट को बड़ा करके जो है वो अलाइन कर दिया। तो ये थी हमारी अलाइनमेंट कमांड।